घोड़ा और गधे की कहानी। एक गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। धोबी जब भी नदी पर कपड़े धोने जाता तो गठरी में कपड़े बांधकर गधे की पीठ पर लाद देता। घोड़े का इस्तेमाल वह सवारी करने के लिए किया करता था। रोज की तरह एक दिन धोबी कपड़े धोने नदी की ओर जा रहा था। कपड़े की गठरी गधे की पीठ पर लदी हुई थी। उस दिन कपड़े अधिक होने के कारण गठरी बहुत भारी था, जिसकी बोझ से कुछ ही दूर चलकर गधा थक गया। उस दिन साथ में घोड़ा भी था। गधे ने मदद मांगते हुए घोड़े से कहा, घोड़े भाई, जरा मेरी मदद कर दो। कपड़े की गठरी बहुत भारी है, तुम भी थोड़ा बोझ उठा लो, इस तरह बोझ आधा आधा बढ़ जाएगा। घोड़ा बड़ा घमंडी था। वह बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं घोड़ा हूँ और तुम गधे। मेरा काम सवारी लेकर जाना है और तुम्हारा काम बोझ उठाना, इसलिए तुम अपना काम खुद करो, उसे मेरे सिर पर मत डालो। घोड़े के दो टुक जवाब से गधा उदास हो गया, पर क्या करता, बोझ उठाए चला जा रहा था। लेकिन कुछ दूर और चलने के बाद उससे आगे चला ही नहीं गया, वह निढाल होकर गिर पड़ा। धोबी ने गधे की इस हालत को देखी तो उसे उस पर दया आ गई। उसे लगा इतना सारा बोझ गधे पर नहीं लादना चाहिए था। उसने गधे को उठाकर खड़ा किया और कपड़ों की गठरी घोड़े के पीठ पर रख दी। अब गधा बिना किसी बोझ के चल रहा था और घोड़ा पूरा बोझ उठाए चल रहा था। पूरे रास्ते घोड़ा सोचता रहा, काश मैंने गधे की बात मान ली होती और आधा बोझ बांट लिया होता, तो अभी मैं पूरा बोझ उठाए अकेले नहीं चल रहा होता। उस दिन घोड़े ने तय किया कि हमेशा अपने साथियों की और जरूरतमंदों की मदद करेगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों की जरूरत के समय उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।